सेकंड में देवता बनने वाले सबसे बड़े व्यापारी ट्रस्टीज को गॉडली मॉर्निंग। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए, नज़रों से नज़र मिली तो हम कितने निहाल हुए। तो नज़रों से बाबा कैसे निहाल करते हैं समझेंगे आज। भक्ति में भी आस रहती है ना कि भगवान की बस कृपा दृष्टि बनी रहे, तो आज इस पॉइंट को विस्तार से समझेंगे। भारत, हिंदुस्तान, हिंदू धर्म, देवता धर्म आदि इन शब्दों का क्या राज है, क्या सच्चाई है, बाबा आज ये भी समझाते हैं। दिलाराम बाप के आशीर्वाद पाने के लिए, उनका वारिस बनने के लिए सुनते हैं 5 अप्रैल 2024 की मीठी मीठी मुरली। मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नज़र से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नज़र से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। तो बाबा को याद करेंगे तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। बाबा की नज़रों से नज़र मिलेगी तो हम निहाल हो जाएंगे, धनवान बन जाएंगे। प्रश्न है, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर में बाबा कहते, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आँख मिलती है और उस आँख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती, अर्थात सदगति मिल जाती है। तीसरी आँख, तीसरा नेत्र ज्ञान का हमें मिलता है, तो ज्ञान से होती है सदगति। हम बाबा को पहचान लेते हैं ज्ञान से, समझ से, तीसरी आँख से, और निहाल हो जाते हैं, विश्व का मालिक बनते हैं, धनवान बन जाते हैं, सदगति मिल जाती है, जीवन मुक्ति में आ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बन तुम मेरे से नज़र लगाओ, अर्थात मुझे याद करो, और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो तो बेहाल, अर्थात कंगाल से निहाल, अर्थात साहूकार बन जाएंगे। समझ मिल गई? तो अब सिर्फ बाबा को ही याद करना है। बाबा कहते हैं सबसे बुद्धि योग टूट जाना चाहिए। कहाँ जुड़े बुद्धि योग? बाबा के साथ जुड़ना है तो हम कंगाल से, बेहाल से क्या बन जाएंगे? साहूकार बन जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। तो ये है अर्थ नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु का। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास। समझते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं। यह भी जानते हैं शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। यह भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वह सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है, उस एक को ही याद करना है। नज़र से नज़र मिलाते हैं। गायन है, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, उनका अर्थ चाहिए। नज़र से निहाल किसको? बाबा ने अपनी नज़र से किसको निहाल किया? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगति दाता है, सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। अब नज़र किसकी? क्या यह आँखें? नज़र से नज़र मिली, बाबा की नज़र हम पर पड़ी और देखो हम निहाल हो गए, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया। तो कौन सी आँख की बात है? अब नज़र किसकी? क्या यह आँखें? नहीं, तीसरी आँख मिलती है ज्ञान की, जिससे आत्मा जानती है यह हम सभी आत्माओं का बाप है। बाप आत्माओं को राय देते हैं कि मुझे याद करो। बाप आत्माओं को समझाते हैं। आत्माएं ही पतित तमो प्रधान बने हैं। अब यह तुम्हारा 84वां जन्म है, यह नाटक पूरा होता है, पूरा होना भी चाहिए जरूर। नाटक है, शुरुआत है तो अंत भी होगा। हर कल्प पुरानी दुनिया से नई बनती है। दुनिया क्या होती है? हर कल्प में पुरानी दुनिया नई बन जाती है।
नई सो फिर पुरानी होती है, नाम भी अलग है। नई दुनिया का नाम है सतयुग। बाप ने समझाया है, पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म बिताए, अब तुम्हारी आत्मा तमोप्रधान बन गई है। बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। अभी देखो बेहाल है ना, और बाबा को याद करें तो निहाल हो गए, मालामाल हो गए। बाप सम्मुख कहते हैं, मुझे याद करो। मैं कौन? परमपिता परमात्मा। तो परमपिता परमात्मा को याद करेंगे, निहाल हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं बनो, आत्म अभिमानी बन। तुम मेरे में नज़र लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाबा में नज़र लगाए माना बुद्धि, मन बुद्धि बाबा में लगा दें, इन नज़रों में अब बाबा ही समाया हुआ हो तो निहाल हो जाएंगे। बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। आत्मा ही पढ़ती है, पाठ बजाती है, कितनी छोटी है। जब यहाँ आते हैं तो 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं, फिर वही पाठ रिपीट करना है। 84 जन्मों का पाठ बजाते आत्मा पतित बन पड़ी है, अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा है, सार खत्म हो गया। कहते हैं ना कि असार हो गया, कोई भी सत नहीं है, एसेंस नहीं है, दम नहीं है, ताकत नहीं, शक्ति नहीं। तो आत्मा में अब कुछ भी दम नहीं रहा है। अब आत्मा निहाल नहीं, बेहाल अर्थात कंगाल है, बदहाल है, बेहाल है, कंगाल है, निहाल नहीं है। फिर निहाल कैसे बने? यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं जिस पर बाप समझाते हैं, वेद शास्त्र चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। तुमने यह चित्र श्रीमत पर बनाए हैं, आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। देखो भक्ति में कितनी मूर्तियां, कितने चित्र हैं। तो बाबा कहते हैं कि उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं, यहाँ तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान वाच है तो उनकी नॉलेज हो गई, स्टूडेंट जानते हैं यह फलाना टीचर है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है, वह पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है, इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं। वो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते भी देखो भले ही कितनी डिग्री हो लेकिन अज्ञान तो है ही ना, खुद को नहीं जानते, खुदा को नहीं जानते। और बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उससे हम दिन में चले जाते हैं, माना समझ आ जाती है, ज्ञान मिल जाता है, सतयुग में चले जाते हैं। वह पढ़ाइयाँ तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है, तुम बच्चे समझते हो हम अब सोने का बर्तन बन रहे हैं, पवित्र बनेंगे तभी ये ज्ञान समझ में आएगा, और जैसे जैसे ज्ञान समझेंगे सुनेंगे तो धारणा होगी और पवित्र बनते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं होंगे तो मनुष्य ही परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट हो गया है। 24 कैरेट सोने की सबसे अच्छी क्वालिटी, 100% प्योरिटी, और 9 कैरेट सबसे लोएस्ट क्वालिटी। तो 9 कैरेट हो गया, अभी देखो तमो प्रधानता हो गई। आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी वह अब बुझ गई है। ज्योति जगी हुई और बुझी हुई वालों में भी फर्क है। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया यह बाप ही समझाते हैं। तो देवताओं की ज्योति जगी, हम ब्राह्मणों की देखो, हम ही तो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनते हैं ना, तो ज्योति कैसे जगी हमारी और हमने कैसे पद पाया ये बाबा समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूंगा। बाबा की डायरी में अपना नाम लिखवाना है। बाबा किनको याद करें? जो बाबा को याद करें। किसी वीआईपी के पास में जो लिस्ट होती है गेस्ट की उसमें यदि देखो हमारा नाम हो तो कितना अच्छा लगता है ना।
तो भगवान की लिस्ट में हमारा नाम होना चाहिए। भगवान हमें याद करें, उसके लिए हमें उनको बहुत अच्छी तरह याद करना है। यह भी बच्चे जानते हैं, नज़र से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है, एक ही स्वामी, सबका मालिक एक। इनकी आत्मा भी निहाल होती है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी देखो निहाल हो गई। तुम सब परवाने हो, उनको क्षमा कहते हैं। बाबा है क्षमा, हम सब परवाने। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं, चले देखें क्या चल रहा है बीके में, ब्रह्मा कुमारी इसमें क्या होता है देखें, तो कोई फेरी पहनने आते हैं, कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं। कोई आए इस महफिल में, क्षमा को देखा फिदा हो गए, समझ में आया और देखो बाबा के बन जाते हैं, जीते जी मर जाते हैं। कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं फिर चले जाते हैं, कॉन्टेक्ट सोल आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे। तो बाबा कहते हैं इस संगम का ही सारा गायन है, इस समय जो कुछ चलता है उनके ही शास्त्र बनते हैं। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं, बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। गायन भी है 21 पीढ़ी, सतयुग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं रचना को, याद भी सब उनको करते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है, स्वामी सतगुरु भी है। भल तुम और किसको भी स्वामी सतगुरु कहते होंगे, परंतु सत एक ही बाप है, ट्रुथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, अविनाशी भी है और सत्य भी है। तो वह ट्रुथ क्या आकर करते हैं, सत्य बाप क्या करते हैं आकर? वही पुरानी दुनिया को सच खंड बना देते हैं। सच खंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जब सच खंड था तो और सब खंड नहीं थे, यह सब पीछे आते हैं, और जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सब बाद में निकले। सच खंड का किसको भी पता ही नहीं, बाकी जो अब खंड हैं उनका तो सबको मालूम है। अब सारे कॉन्टिनेंट पता है, सब खंड पता है, लेकिन सच खंड स्वर्ग का देखो पता ही नहीं है। अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं, बाकी खंड का सबको मालूम है। अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं, बाकी सूर्यवंशी चंद्रवंशी और इस संगमयुगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते नहीं है। हमारे पास हिस्ट्री कब की है, लगभग 2500 साल की हिस्ट्री है, उसके पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी वो नहीं पता, और अभी संगमयुग चल रहा है, गुप्त हैं हम ब्राह्मण, ये ब्राह्मण कुल ये भी कोई नहीं जानता है। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु वह है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वह है अपवित्र, तुम मुख वंशावली हो पवित्र। तुम मुख वंशावली बन फिर छीछी दुनिया रावण राज्य से चले जाते हो, वहां रावण राज्य होता नहीं। अब तुम चलते हो नई दुनिया में, उनको कहते हैं वॉइसलेस वर्ल्ड। वर्ल्ड ही नई और पुरानी होती है, कैसे होती है यह भी तुम जान गए हो। दूसरा तो कोई की बुद्धि में नहीं है, ये खेल कैसे चलता है, पुराने से नया नए से पुराना कैसे होता है ये अब हम ही जानते हैं। बाबा कहते हैं दूसरा तो कोई की बुद्धि में नहीं है, लाखों वर्ष की बात को कोई जान भी न सके, यह तो थोड़े समय की बात है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब खास भारत में धर्म ग्लानी होती है। देख रहे हैं ना सभी धर्मों का क्या हाल है, कितनी ग्लानी है, तो देखो बाबा आते हैं इस समय। दूसरी जगह तो किसको पता ही नहीं कि निराकार परमात्मा क्या चीज है, बड़ा बड़ा लिंग बना कर रख दिया है। बच्चों को समझाया है आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे बाप भी अविनाशी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सुप्रीम माना वह सदैव पवित्र और निर्विकारी है, सदैव पवित्र, पवित्रता का सागर है, निर्विकारी है, हाँ सुप्रीम। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, दुनिया भी निर्विकारी थी, उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी।
नई दुनिया फिर जरूर पुरानी होती है, कला कम होती जाती है। दो कला कम चंद्रवंशी राज्य था, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है। पहले 16 कला सतयुगी दुनिया, और फिर देखो चंद्रवंशी, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन जाते हैं, दो कला कम हो जाती है और उसके बाद तो पुराना होना चालू ही हो जाता है। पीछे और खंड आते जाते हैं, उनको कहा जाता है बाई प्लॉट, परंतु मिक्सअप हो जाते हैं। पहले एक देखो खाली सच खंड था, स्वर्ग था, बाद में और खंड आए, पहले मेन प्लॉट स्वर्ग, बाकी सब है बाई प्लॉट, फिर बाद में देखो कैसे मिक्सअप हो जाते हैं। बाबा बोलते हैं ना कैसे गुड़गुड़धानी हो गया है, सब मिक्स हो गया है, सूत मूंज गया है, तो सब मिक्सअप हो गया। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता है वह फिर रिपीट होगा। जैसे बौद्धियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, धर्म को बदला दिया, कन्वर्ट करते हैं ना, तो हिंदुओं ने अपना धर्म आपे ही बदला है। क्यों बदल लिया, हिंदू लोग कहाँ से आए? तो बाबा कहते हैं कि जैसे बौद्धियों का कोई बड़ा आया, कईयों को बौद्ध धर्म में ले गया, तो धर्म बदल गया। हिंदुओं ने अपना धर्म आपे ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पड़े हैं। देह अभिमान में आ गए, कर्म गलत हो गए, और देखो धर्म भी, धारणाएं भी सब गलत हो गई। तो कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट हो गए, वाम मार्ग में चले गए हैं, उल्टे रास्ते चले गए। जगन्नाथ के मंदिर में भी भल गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता। वहाँ पे देखो देवताओं की भी कैसे विकारी मूर्तियाँ बनाई हैं, अच्छी भी हैं और फिर विकारी भी बनाई हैं। तो बाबा कहते भले ही समझा नहीं, ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन ये सब क्या है, क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में चले गए, वही सब यादगार बनाया है। तो जगन्नाथ के मंदिर में भी भल गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता। खुद विकारी हैं तो उनको भी विकारी दिखा दिया है। फिर कहते हैं ना कि देवताओं भी तो फैमिली वाले थे, प्रवृत्ति मार्ग था, फिर आप क्यों मना करते हो विकार में जाने के लिए? तो खुद विकारी हैं तो उनको भी विकारी दिखा दिया है। यह नहीं समझते कि देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब ऐसे बने हैं। अब वाम मार्ग में चले गए तब देवता थोड़ी रहे, जब देवता थे तब तो फिर सीधे रास्ते चलते थे, निर्विकारी थे। तो उस समय के ही यह चित्र हैं। देवता नाम तो बड़ा अच्छा है, हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, फिर अपने को हिंदू कह दिया है, देश के नाम पे अपना धर्म देखो हिंदू धर्म कहने लग गए, कितनी भूल है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो बाबा भारत में आते हैं, जब धर्म की ग्लानी होती है तो बाबा भारत में आते हैं। ऐसे तो नहीं कहते मैं हिंदुस्तान में आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति हिंदुस्तान, ऐसे तो नहीं कहते बाबा, तो मैं हिंदुस्तान में आता हूँ ऐसे नहीं कहते हैं। यह है भारत हिंदुस्तान, वह हिंदू धर्म है नहीं। हिंदुस्तान हिंदू धर्म ये है नहीं, हिंदुस्तान ये तो मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने नाम रख दिया। सिंधु नदी के किनारे रहने के कारण अब ब्रज होकर हिंदू हो गया, हिंदुस्तान हो गया, हिंदू धर्म कहने लग गए, भारत नाम है, देखो फिर से अब भारत नाम रखा गया है। तो यह है भारत हिंदुस्तान, वह हिंदू धर्म है नहीं, मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तो वैसे हिंदुस्तान नाम रख दिया। यह भी ड्रामा में नोंद है, अच्छी रीति समझना चाहिए, यह भी नॉलेज है। पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं, फिर उन्होंने आगे जाकर कहते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी हैं, और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे, और कोई धर्म वाले और कोई देश वाले अपने आप को देखो नीच पापी खलकामी कभी नहीं कहेंगे, लेकिन हिंदू धर्म में जो आरती हैं, जो दोहे हैं, जो भजन हैं, उसमें कहते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम नीच खल पापी कामी कपटी हैं। क्या बोलते हैं, और हम नीच हैं अथवा हमारे में कोई गुण नहीं है, ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा।
किसी और देश वालों को अपने बारे में ऐसा कहते सुना है कभी? सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी हम विकारी। नानक पंथी कंगन लगाते हैं, वह है निर्विकारी पने की निशानी। केश, कंघा, कड़ा, कच्छ और कृपाण, ये पांच चीजें धारण करते हैं ना सिख। तो बाबा कहते हैं नानक पंथी कंगन लगाते हैं, हाथ में कंगन पहनते हैं, वह है निर्विकारी पने की निशानी। परंतु विकार बिगर रह नहीं सकते हैं, झूठी निशानियां रख दी हैं। जैसे हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, पवित्रता की निशानी है। देखो पहनते हैं लेकिन समझते नहीं है, धारणा में नहीं है। आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते, कई कहते हैं कि हम तो ये सब धर्म मानते नहीं हैं, कर्म ही पूजा है। लेकिन धर्म मानो धारणा, तो आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते। इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कल्ट सतयुग में है, सतयुग में देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो न सके। प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं, बाकी सब गुरु हैं निवृत्ति मार्ग वाले, उनसे उन्हों का जोर जास्ती हो गया है। घर गृहस्थी छोड़कर चले जाते हैं, जिम्मेवारी से दूर चले जाते हैं, पवित्र रहते हैं, इसलिए देखो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इसलिए उनका जोर जास्ती हो गया है। बाप कहते हैं यह जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता हूँ। भगवान हुआ चाहिए कि तुमने जो सब कुछ ये पढ़ा जो तुम करते हो उनसे मैं नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ तो सबको नज़र से निहाल कर देता हूँ। नज़र से निहाल करना माना ज्ञान मिल जाता है, हमें समझ मिल जाती है, तो हम बाप को पहचान लेते हैं और निहाल हो जाते हैं, खुशहाल हो जाते हैं। भक्ति करते रहे तब तक भगवान मिला नहीं ना, भक्ति पूरी होती है ज्ञान मार्ग में जब चलते हैं तब भगवान का अनुभव होता है। तो मैं जब आता हूँ तो सबको नज़र से निहाल कर देता हूँ। गायन भी है नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। यहाँ तुम क्यों आए हो, क्यों आए हैं बाबा के पास? निहाल बनने, विश्व का मालिक बनने। बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे। ऐसे कभी कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम यह बन जाएंगे। कोई गारंटी लेगा कि आप ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा? गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता है, बाबा तो गारंटी देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम देवता बन जाओगे। तो ऐसे कभी कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम यह बन जाएंगे। बाप ही कहते हैं तुमको यह बनना है। यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को मालूम नहीं है। तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं, यही 84 जन्म ले पतित बने फिर तुमको यह बनाने आया हूँ। बाप अपना परिचय भी देते हैं तो नज़र से निहाल भी करते हैं। यह किसके लिए कहते हैं, किसके लिए कहते हैं नज़र से निहाल करते हैं? एक सतगुरु के लिए। वह गुरु लोग तो ढेर हैं और माताएं अब लाए हैं भोली। देखो कितनी भोली भोली माताएं सब गुरुओं के पंडाल में बैठी रहती हैं। तो बाबा कहते हैं तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा है आँख खोली विनाश हो गया, यह भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं, विनाश तो कोई और चीज़ों से होगा ना, हमने तैयार किए हैं बॉम्ब्स तो इनसे होगा विनाश। बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते, यह तो सब साइंस निकालते रहते हैं। समझते हैं हम अपने कुल का आपे ही विनाश करते हैं, वह भी बांधे हुए हैं छोड़ नहीं सकते। नाम कितना होता है, मून में जाते हैं परंतु फायदा कुछ भी नहीं। चंद्रमा तक पहुंच गए, कितनी कितनी सामग्री बना ली विनाश की। बाबा कहते हैं उनका भी ड्रामा में पार्ट है, मून में जाएंगे लेकिन फायदा क्या हुआ, मिट्टी लेकर आते हैं। मून पे किसने प्लॉट बुक कराया है? मून पे प्लॉट लेना है या फिर सतयुग में महल बुक कराना है, क्या करना है? मीठे मीठे बच्चे तुम भी बाप से नजर लगाओ, अथवा हे आत्मा अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे।
बाबा कहते हैं, जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूँ तो उनको बल मिलता है। एक तो है कि हम बाबा को याद करें और शक्ति लें, और एक है कि बाबा हमको याद करे और एक्स्ट्रा पावर दे। कितना बलशाली बना देते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान। लेकिन कौन होगा ऐसा जो सर्विसेबल है, जो बाबा का कहना माने? तो बाबा कहते हैं, जो मेरे लिए सर्विस करते हैं, मेरे मददगार बनते हैं, मैं उनको याद करता हूँ तो उनको बल मिलता है। तुम यहाँ सब बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। जो बाबा को याद करेंगे वही राजा बनेंगे। गायन भी है, और संग तोड़ एक संग जोड़ो, और सब संग तोड़ लो और एक बाप से जोड़ लो। एक है निराकार, आत्मा भी निराकार है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। तुम खुद कहते हो, हे पतित पावन। यह किसको कहा? हे पतित पावन आओ, किसको कहा? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को? नहीं, पतित पावन तो एक है, वह सदैव पावन ही है। उनको कहा जाता है सर्वशक्तिमान। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं और सब शास्त्रों को जानते हैं। बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं और सब शास्त्रों को जानते हैं। देखो, सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं हमें बाबा। वह सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं, विद्वान पंडित। देखो कैसे कैसे टाइटल लेते हैं, शास्त्रविद हैं, हाँ, श्री 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 1008, कैसे कैसे टाइटल ले लेते हैं। आजकल तो बिकते भी हैं ना टाइटल, खरीदे जाते हैं। तो बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़े ही लेना है। बाबा तो ज्ञान का सागर है, तो बाबा को कोई टाइटल लेने की ज़रूरत है? वो तो ज्ञान का सागर है, उनको पढ़ाई करके तो कोई टाइटल लेना नहीं है। तो हमें कौन सा टाइटल लेना है? हमें मास्टर ज्ञान सागर बनना है ना, तो अच्छी रीति पढ़ाई करनी है। अच्छा, मीठे मीठे से किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा, और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है, एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। वरदान है, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भाव। दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भाव। दिलाराम की आशीर्वाद कैसे मिलेगी? जब अपने संस्कारों का परिवर्तन करेंगे, दिल से महसूस करेंगे, बाबा को अनुभव करेंगे। कल भी था ना कि अनुभूति करना है। तो स्व को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। स्व परिवर्तन कब होगा? जब दो बातों का अनुभव होगा, एहसास होगा, महसूसता होगी। तो स्व को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। पहली बात, अपनी कमजोरी की महसूसता। सबसे पहले तो ये स्वीकार करें कि हमारे अंदर ये कमजोरी है। दूसरी बात, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। क्या करना है, कैसे करना है? परिस्थिति के पेपर के कारण को जान, स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्व स्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी, और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी।
तो कोई भी परिस्थिति आई है, कोई व्यक्ति निमित्त है, उसकी वजह से हम हलचल में आ रहे हैं, हमारी स्थिति गड़बड़ हो रही है, तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो अपनी कमजोरी को महसूस करो और जो पेपर आ रहा है उस कारण को हम समझें और ये समझें कि स्व स्थिति जो है वो श्रेष्ठ है, जो परिस्थिति आई है वो बाहर की स्थिति है, वो पेपर है। तो जब ये महसूस होगा कि हम श्रेष्ठ हैं, हम ऊंचे हैं, हम महान हैं, हम बड़े हैं, हम इस पेपर को सहज ही पास कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, तो बाबा कहते हैं यह महसूस का सहज परिवर्तन करा लेगी। और सच्चे दिल से महसूस कर लिया, अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनाए रखी, तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। और जो भी अपनी कमजोरी को बदलना है, जो परिवर्तन करना है, वो आसानी से हो जाएगा। स्लोगन, वारिस स्व है जो एवर रेडी बन, हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। वारिस स्व है जो एवर रेडी बन, हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। जैसे ही इशारा मिला, हमेशा रेडी है, और क्या कहना है, यस बॉस कहते हैं ना, जी हजूर, बस आया, तो यस बॉस, यस बाबा, हर बात में यस बाबा, जी बाबा, जो कहे वो है वारिस। तो आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए 5 पॉइंट। पहली बात, नज़र से निहाल। क्या है नज़र से निहाल होना? माना सदगति मिलना, साहूकार बनना, विश्व का मालिक बनना। दूसरा, हमें कैसा परवाना बनना है? फिदा होने वाला, बाप क्षमा पर फिदा होना है। तीसरा, मास्टर ज्ञान सागर का टाइटल लेना है। बाबा तो ऑलरेडी टाइटल लेते हैं ना, बाबा को पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, बाबा का टाइटल है, महिमा है, ज्ञान का सागर, तो हमें भी मास्टर ज्ञान सागर बनना है। चौथा, दिलाराम बाप से आशीर्वाद प्राप्त करना है। कैसे करेंगे? अपनी कमजोरी की महसूसता हो और जो परिस्थिति और व्यक्ति जो निमित्त है उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता करना है। स्थिति सर्वश्रेष्ठ, परिस्थिति पेपर है, तब महसूस करेंगे बाबा से आशीर्वाद मिलेगी। और पांचवा, जी हुजूर हाजिर, तो यस बॉस, यस बाबा, जी बाबा। ओम शांति।